हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एबीसी फ्लाई। ये वही मांजा है जो हमने पिछले वीडियो में डाला था और जिसमें हमने बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स से मांजा दिया था। तो आप में से बहुत सारों ने ये रिक्वेस्ट किए थे हमको कि इस मांजे से पतंगबाजी करके थोड़ा रिव्यू करने के लिए। तो चलिए आज इस मांजे से हमने पतंगबाजी करके रिव्यू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये मांजे से भी हम जो हमारा लोकली जो छत से पैच होता है उसमें पैच काट पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पतंगबाजी। तो ये जा रही है आज के लिए हमारा पहला पतंग और हमारा हाथों का बनाया हुआ ब्लू मांजे से जा रहा है। इसे पैच खेल के देखते हैं। पहले पैच आ चुका है और देखिए हमारा इधर का जो प्रॉब्लम है ना, हम जाते हैं चढ़ के लेकिन कोई चढ़ के आता नहीं है, तो हमको बिन हवा में जाके बहुत सारा पैच लड़ाना पड़ता है। इसलिए मतलब बहुत रिस्क लेके हम पैच लड़ाते हैं और दूसरा जो पतंग है वो कभी डिसएडवांटेज में नहीं आता है, चढ़ के आता ही नहीं है। हम इतना चढ़ के जाते हैं लेकिन वो चढ़ के आना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी क्या करें, पैच तो खेलना ही पड़ेगा, आपको दिखाना ही पड़ेगा। देखिए हम नीचे से जाने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए वो ऊपर से आया और देखिए हमने खींचना जब स्टार्ट किए थे उसका पतंग इतना ढील हो गया था कि खींचना स्टार्ट करते ही लग के ही वो निकल गए। तो पहला पैच हमारा हुआ, हमारा मांजे का पहला पैच हमारा हुआ। अब दूसरा पैच देख लेते हैं। देखिए ऊपर वाला जो प्लास्टिक पतंग है उसके साथ हम पैच खेलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा चल रहा है उसका, उसको वो भी आ नहीं रहा है, वो ऊपर उठा ले रहा है। अब फंस गया, निकल गए। और ये देखिए इसके बीच उस पतंग के साथ हमारा पैच लग गया और ऊपर से हम थे और बहुत ही इजी तरीके से वो काट गया। ये आज के लिए तीसरा पैच है। देखिए हमने कितना चढ़ के गया और वो आ ही नहीं रहा है। अब देख ही पाएंगे, आप समझ ही पाओगे कि हम कितना चढ़ के जा रहे हैं। देखिए नीचे गिरा दिया एकदम पतंग को और हवा हमको बाहर की ओर लेके आ रहा है। देखिए उसके ऊपर एकदम आड़ा गद्दा मार के, मतलब हॉरिजॉन्टल गद्दा मार के हमने, हवा था इसलिए बहुत ही आसानी से काट दिया। अब और एक पैच देख लेते हैं। देखिए इस पन्नी का पतंग के साथ फंस गया पैच, चल रहा है, छोड़ भी गया, पैच छोड़ गया। हम नीचे से एकदम घुसा, दो चक्कर लिया और देखिए एकदम सीधा उसको खींच दिया। उसका पतंग में कुछ भी हवा नहीं था इसलिए बहुत ही आसानी से वो काट के चला गया। अब हमारा बाएं वाला जो पतंग है वो आया है और हम नीचे से गए हैं, इसके साथ पैच खेलेंगे। देखिए खींचने की कोशिश किया लेकिन वो राउंड करके चला आया। फिर से नीचे से जाएंगे हम और वो ऊपर से गद्दा मार रहा है पूरा। देखिए हमने खींचा लेकिन उसका पतंग अंदर में हमारा ऊपर गद्दा चल गया, इसलिए हमने लगते ही काट के चला गया। तो चलिए दूसरा पतंग आज के लिए हम पार करेंगे। पहला पतंग से शायद चार पैच हो गया हमारा। तो देखिए इस पतंग से क्या होता है, एक पैच आ चुका है। देखिए उसके साथ ही खेलेंगे। ये पहले पिछला वाला पतंग हमको काट दिए थे तो इसका एक बदला लेना बनता है। तो देखते हैं, तो बुझे थी भी। वो शायद नीचे से आना चाह रहे हैं। देखिए अब देखिए वो ऊपर से आके हमारे ऊपर भर्रा छोड़ रहा है और हम अंदर बॉल पे चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लेकिन पतंग पे चक्कर, ओह सॉरी उल्टा चक्कर हो गया, शायद हम काट जाएंगे। नहीं वही काट गया, मांजा बहुत ही अच्छा है, मतलब फंस के बहुत ही अच्छा चला, ये देख के हमने बोला। नहीं 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 देखिए बारिश आ चुका है। बस 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 देखिए बारिश के बाद हमने फिर से पतंग पार किए थे लेकिन फिर से बारिश आ गया, इसलिए हमने उतर रहे और ये एक पैच चलाया पन्नी का पतंग का, फिर से खेल के ही उतारेंगे। वो ऊपर से आया था एकदम खींच दिया लेकिन बारिश तेज हो रहा है तो जल्दी से उतारना पड़ेगा। ठीक है अभी के लिए वीडियो थोड़ा ऑफ रखते हैं, बाद में वेदर ठीक होने से उड़ाएंगे। फिर से बारिश शुरू हो गया था और हमने पतंग को उतारने गए जल्दी से और बारिश के चलते पतंग टूट गए, तो वो आपको दिखा नहीं पाए हमने। और
और आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल को अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू।